हर्ष 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 माँ, ये हर्ष हमेशा से सबका लड़ला बन के रहा है, चाहे दादी हो चाहे पापा हो, यहां तक कि आपने भी हमेशा हर्ष को ज्यादा प्यार दिया है। मेरे साथ हमेशा सबने सौतेला व्यवहार किया है माँ। राजेश कब सुधरोगे, हाँ कब बड़े होगे? जानते हो ना तुम, ये सब दिखावा है, वो सौतेला है हमारा। तुम सगे हो और वो सौतेला ही रहेगा। यहां देखो हमारी तरह, राजेश राम शास्त्री, ये सब का कानूनी वारिस, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा, और कोई नहीं रोक सकता तुमको ये सब हासिल करने से, ठीक है ना बेटा? अगर हम ये दिखावा नहीं करते कि सब बच्चों में हम हर्ष से ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये सब कुछ कैसे कर पाते? मां, कितना अच्छा होता अगर हमें ये सब नहीं करना पड़ता तो। सही कह रहे हो, काश हमें ये सब नहीं करना पड़ता। अगर तेरे पापा ने वो एक गलती ना की होती, ना ही हर्ष हमारे घर आता, ना ही हमको ये सब कुछ करना पड़ता। I'm sorry सविता, गलती हो गई हमसे। एक दूसरी औरत के लिए आपने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को धोखा दिया, लेकिन उसकी सजा ये क्यों भुगते? इसकी क्या गलती है इसमें? नहीं, इसकी सजा ये नहीं भुगतेगा। हम जिंदगी भर ये राज छिपा कर रखेंगे, तुझे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। मेरे बच्चे को अपनाने के लिए थैंक यू, लेकिन हमारे पति की गलती की सजा हमारी अपनी औलाद क्यों भुगते? इस नाजायज की वजह से हम अपनी जायज औलाद के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, कभी नहीं। I'm really sorry, माँ, आपको मेरी वजह से सब कुछ करना पड़ा, ताकि मेरा जो हक है वो मुझे मिल सके, वरना महापुराम ने तो फैसला कर ही लिया था कि वो सब कुछ उस हर्ष को दे देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो किसी काबुल हूं ही नहीं। उनको हम भी तो उनके काबिल नहीं लगे थे ना, राम ने हमारा दिल दुखाया, तुम्हारा अधिकार छीना, और देखो हमने उनका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। लेकिन हमारी बदकिस्मती तो देखो, वो हर्ष हमेशा बचपन से हर चीज में तुमसे आगे रहा। 62% मार्क्स। सविता, राजेश को सिर्फ 62% मार्क्स मिले हैं। अगर ऐसे ही मार्क्स लाता रहा ना, तो आगे चल के हमारे बिजनेस को कैसे संभालेगा वो? और हर्ष को देखो, 98% मार्क्स, एक्सीलेंट, हर चीज में वो राजेश से आगे है। सविता, हमें लगता है कि आगे चलकर हर्ष ही हमारे बिजनेस का असली वारिस बनेगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलते हैं। और उस दिन जब हर्ष ने राम के बिजनेस की एक प्रॉब्लम यूं हल कर दी, सच बताएं, वाकई में हमको बहुत
बहुत चिंता होने लगी थी। एक प्रॉब्लम है, हमें बैंक से जो लोन लेना था, अगर हमने वो लोन लिया तो शेयर्स के प्राइस गिर जाएंगे, और वो सीए से बात की, उसके पास भी कुछ सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा अभी तक। तो लोन मत लो, एसेट डिडक्शन कर दो। ही इज एब्सोल्युटली राइट। तू 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 राजेश, राजेश क्या कर रहे हो? ये हर्ष, ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे है? मां तू क्योंकि जानकी हर्ष को धीरे धीरे ठीक करने लगी। देखा ना तूने, देखा ना, और अगर हमने उसको नहीं रोका ना तो वो हमारे सारे सपनों पर पानी फेर देगी। मुझे भी वो दिन अच्छे से याद है माँ, जिस दिन उस बाप राम ने मेरे बड़े होते हुए भी सब कुछ उस हर्ष को देने का फैसला किया था। ये देखो, हर्ष ने दिन रात मेहनत करके एक नई मोबाइल कंपनी का प्लान तैयार किया है। बहुत दूर की सोचता है वो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज हैं उसके पास। और राजेश, हम जो कहते हैं वो कर देता है वो, लेकिन बहुत गुस्सा है उसके अंदर। सविता, हम भी चाहते हैं कि हमारा बड़ा बेटा हमारा बिजनेस संभाले, पर वो उसके लायक नहीं है सविता। नहीं, फिर भी अगर राजेश को ऐसा लगता है कि वो हर्ष से बेहतर है, then just ask him to prove himself. अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर्ष ही बिजनेस संभालने के लायक है। आप उसी को सौंप दीजिए सारी जिम्मेदारी, वही सही रहेगा। थैंक यू सविता। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। इतने सालों से ये ढोंग करना पड़ रहा है, अगर हम ये ढोंग नहीं करते ना तो राम को एक सेकंड में पता चल जाता कि इस एक्सीडेंट के पीछे कौन है, और इसीलिए घर में सबके सामने हमको ये दिखाना पड़ता है कि हम अपने सौतेले बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और एक्सीडेंट में मरने की बजाय हर्ष पागल हुआ ना, और हमने इस मौके का फायदा उठाकर और उसे दवाइयां देकर उसको पागल ही रहने दिया। उसकी वजह से राम ने तुम पर भरोसा करना शुरू किया और छोटी छोटी बात के लिए तुम्हारी तरफ देखने लगे। लेकिन फिर उस जानकी का आना और हर्ष को ठीक करने की कोशिश करना, उसकी वजह से वो हर्ष सबकी नजरों में चढ़ता गया। दूसरी तरफ तुम अपनी हरकतों से सबकी नजर में, खासकर राम की नजर में बुरे बनते गए। I'm sorry, ma. Sorry? अब सॉरी बोलने का क्या फायदा है राजेश? कौन कौन कहा था तुमसे हर्ष को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए? कौन कहा था जानकी के साथ इस तरह की हरकत करने के लिए? बताओ, सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने हमारा। कितना अच्छा प्लान बनाए थे हम जानकी को इस घर से बाहर निकालने का। मकर संक्रांति पर जानकी के जैसे साड़ी पहनकर टेरेस से मौका देखकर हर्ष को नीचे धक्का दोगी तो तुम्हारे घर पैसों की कभी कमी नहीं होगी। इतना सब कुछ करने के बाद बासी हाथ से निकलती शारी राजेश। माँ, बस मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सच में इस जानकी नाम के किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। राजेश, और पागलपंती मत करना। ये जानकी अब इतनी आसानी से खत्म होने वाला किस्सा नहीं रहा। बहुत चालाक बन गई है, बहुत सवाल करती है। हर्ष का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? रात कौन सी थी? हर्ष क्या करने गए थे? कहाँ गए थे? उस एक्सीडेंट की जांच तो हुई होगी ना? तूने हमसे तो हर चीज बात पूछ ली, लेकिन घर में किसी से मत पूछना प्लीज, कहे कि कोई बात करना पसंद नहीं करता इस बारे में। इससे पहले कि जानकी को हर्ष के सच के बारे में पता चल जाए, हमको अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है ना?
डोंट वरी मां, ये जानकी नाम के किस्से को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ गया है और अब ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुड़िया मुझे इतना मजा आ रहा है ना ये येलो डाल के, मेरा येलो फेवरेट कलर है गुड़िया, और वो आज वो भी है ना भूल गया, बसंत पंचमी गुड़िया वो मुझे फेवरेट मेरा फेस्टिवल है, और फिर हम पूजा करेंगे ना भगवान की, और फिर मैं खेलने चले जाऊंगा शिखर के साथ। आज मेरे हर्ष और जानकी एकदम शिव पार्वती लग रहे हैं। पता है सविता, जानकी ने ना हर्ष के लिए बड़ी कठिन तपस्या की है। हम जानते थे कि वो यही करेगी, अगर वो ऐसा नहीं करती तो हमको हैरानी होती, क्योंकि हम भी तो गए थे ना मंदिर बसंत पंचमी की पूजा के लिए। जानकी मम्मी जी आज बहुत सुंदर लग रहे हो तुम दोनों। आप भी सुंदर लग रहे हो। मम्मी जी बसंत पंचमी आपको मुबारक हो, दादी आपको भी। राधा बेटा सबको बुला के लाओ, पूजा शुरू करते हैं। आओ आओ बच्चों। राजेश तू ये राजेश यहाँ क्या कर रहा है? गुड़िया चलो यहाँ से, गेम खेलेंगे आ जाओ, मुझे छोड़ो इनको। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मना किया था ना तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पापा एक बहुत जरूरी काम था वरना कभी नहीं आता, I'm sorry। तुम्हारी एक बात सुनना नहीं चाहते हम। राजेश तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, जाओ। एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अरे कुछ नहीं सुनना हमें, जाओ निकलो यहाँ से। सुनिए ना, ऐसा निकलो, चलो कुछ नहीं सुनना हमें। हम ठीक ही तो कर रहा है, आज बसंत पंचमी की पूजा है और ऐसे में राजेश कैसे आ गया यहाँ पर? हमको क्या पता अम्मा जी। पापा मेरी मेरी निकलो मेरी। तुम यहाँ से जाओ। पापा प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है, पहले तुम यहाँ से जाओ। पापा अगर जरूरी नहीं होता तो मैं आता भी नहीं। ठीक है, जो कहना है ना जल्दी कह दो। वो श्वेता भाग गई। ऐसे कैसे श्वेता भाग सकती है? हमारे आदमी 24 घंटे उस पर नजर रखे हुए थे। मुझे क्या पता, आपने कहा था इस सबसे दूर रहना तो ध्यान नहीं दिया। बेटा ऐसे गायब नहीं हो सकते। अगर उसने किसी को हर्ष के बारे में कुछ भी कहा तो राजेश तुम्हें जो करना है करो, लेकिन श्वेता को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। जी। श्वेता ऐसे गायब नहीं हो सकती। हर्ष भैया मैं क्या बोलता हूँ ना, छुपन छुपाई खेलते हैं। खेलते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा तो एक काम करते हैं फिर, हम छुपते हैं आप ढूंढो। ठीक है काम करते हैं, मैं 3 सेकंड देता हूँ तुमको और ठीक है, और तुम भाग जाओ फटाफट, मैं ढूंढूंगा तुमको। 3 सेकंड? ओके ओके। वन, मैं आ रहा हूँ। तुम चुप गए। दामाद जी हाँ
कहाँ चले गए ये? मिल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ जानकी हमें अचानक देखकर कितना खुश होगी। दामाद जी गले मिलिए। आखिर मुझे मौका मिल ही गया मिलने का। मैंने देखा था आपको फोटो में, आप गुड़िया के पापा हो ना। गुड़िया? कौन गुड़िया बेटा? मेरी जानकी गुड़िया अंकल। अच्छा अच्छा, मतलब आप प्यार से जानकी को गुड़िया बुलाते हैं। मैं एक बात पूछूं आपसे प्लीज, ये आपके बिस्किट हैं? ये मेरे फेवरेट बिस्किट हैं, कि क्रीम खा लेता हूं और बाकी फेंक देता हूं। हाँ बेटा, मुझे जब भी कमजोरी होती है ना तो मैं इसे खा के मुझे ताकत आ जाती है। आपको इससे ताकत मिलती है? मुझे दूध से मिलती है, जो गुड़िया बनाती है ना दूध, मुझे उससे ताकत मिलती है बहुत। चाचू आपने तो हमें पकड़ा ही नहीं। बाद में पकड़ूंगा, पहले नमस्ते करो अंकल को। नमस्ते। मैं एक बात कहूँ आपको? हाँ बेटा। मैं ये ले सकता हूँ प्लीज? इन्हें देने के लिए ना, बच्चों को दे दो। हर्ष जी, ये आपका हाथ ऐसे क्यों, और आप बच्चों की तरह क्यों बात कर रहे हैं? हर्ष भाई, अभी भी हाथ में दर्द हो रहा है क्या आपको? अंकल आप अचानक से। कैसे? पैर चूते हैं। हाँ जी हाँ जी, जीते रहो। आप अचानक से कैसे? ये हर्ष भाई, आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इस वजह से उनके हाथ में दर्द था। अच्छा अच्छा, वैसे हम तो आज जानकी को सरप्राइज देने आए हैं। कहाँ है जानकी? जानकी भाभी तो वो इसको पता नहीं है, मुझे मालूम है, आपको मिलना है। आप ये मुझे दे दीजिए। हेल्प कर देना। हाँ जी चलिए। कहते हैं ना, जहाँ जा वहां रहा। हम तो ये सोच रहे थे कि कैसे जानकी को इस घर से निकाले, तो लो उसे लेने वाला खुद बखुद यहां आ गया। हम हर्ष जी से मिल लिया आज। पर अचानक ऐसे? बेटा बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे हुए, तो सरप्राइज देने आ गया। अच्छा किया समधी जी जो आप आ गए, जानकी आपको बहुत याद करती है। हम कुछ दिनों के लिए इसे अपने साथ दरभंगा लेके जाना चाहते। क्यों लेके जाना चाहते हो? वो मेरी गुड़िया है, वो मेरे साथ रहेगी। वो मेरे साथ रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो किसी के साथ नहीं जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी। गुड़िया गुड़िया मेरे साथ रहोगी ना गुड़िया? अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे? गुड बाय। पापा वो एक्चुअली क्या है कि हर्ष जी इन दिनों बिजनेस मीटिंग की वजह से बहुत बाहर जा रहे हैं, आ रहे तो अच्छा। बहुत स्ट्रेस में है इसलिए। शिखर वो कुछ आइडिया, बिजनेस आइडिया कुछ डिस्कस? हाँ हाँ, वो मेरे दिमाग से निकल गया। मैं हर्ष भाई आओ।
ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। इस बार भी गिफ्ट आया है। गुड़िया मुझे गिफ्ट दो ना, गुड़िया मुझे गिफ्ट दो ना प्लीज। ये मेरे लिए है, ये सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।